एटा पिलुआ थाना क्षेत्र में बीती रात शराब के नशे में धुत कलयुगी पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को छानबीन कर अवैध तमंचा सहित गिरफ्तार कर लिया है और मृतका के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम गृह भेज दिया है। आपको बता दें, बीती रात पिलुआ थाना क्षेत्र स्थित गांव अड़ेपुरा निवासी पति राहुल चौहान ने शराब के नशे में धुत होकर अपनी पत्नी मनीषा की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतका मनीषा के परिजनों ने बताया कि राहुल चौहान हत्या के केस में 5 साल से बंद था, जिसे लड़की के मायके वालों ने ही 7 माह पहले जमानत पर जेल से बाहर निकाला था। परिजनों ने बताया कि राहुल चौहान जब से जेल से आया है, तब से आए दिन मृतका मनीषा को शराब पीकर मारपीट करता था। बीती रात पति राहुल चौहान ने पत्नी मनीषा को तमंचे के बट से मारपीट की, उसके बाद सर में गोली मार दी, जिससे पत्नी मनीषा की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या की सूचना ग्रामीणों द्वारा नजदीकी थाना पिलुआ पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी की तलाश में जुट गई। परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर जेल भेजा जाएगा। घटना ये हुई कि हमारी बहन को गोली मार दी। किसने गोली मारी है? राहुल चौहान, गांव अड़ापुरा, थाना पिलुआ, जिला एटा। ये कौन लगते हैं आपके? क्यों गोली मारी? हमारे बहनों ही लगते हैं। गोली क्यों मारी? क्या वजह? मारी के इतने पहले ही मर्डर कर चुका है ये बंदा, तो घर में झगड़ा होता था। आप झगड़ा होगा तो सामंजस्य की बात है, झगड़ा तो इसने 5 साल जेल काटा, 5 साल के बाद बेल मिल गई, 6-7 महीने इसको पहले जेल से निकल के आया, उसके बाद पैसे भी अपने खर्च किए, इसकी बिल दिलवा के बच्चा भी बैन किया। जब बेल निकल के आ गया तो ये गांव पहुंचा, लड़की हमारे पास ले, फिर इसने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होगा और आप भेज दीजिए, मैं दिल्ली नौकरी करने जाऊंगा, अब गांव में नहीं रहूँगा। हर आदमी ये सोचता है कि सामंजस्य बन जाए, अच्छी बात है, परिवार अपने एक जगह एक ही गाड़ी घटना हुई, उसके बाद इनमें झगड़ा हुआ। शाम को खाना वाना बनाया था, इसकी जन जो विकलांग है उसका नाम है, उसको दवाई भी खिलाई, उसको खाना भी खिलाया, ये दारू पी के आया और झगड़ा करने लगा। उसके बाद इसने पहले मारा, बटबट मारी उससे, काफ़ी चोट थी, उसके बाद गोली मारी। किससे गोली मारी है? तमंचे से, 32 बोर की पिस्टल, मानो उसको देसी होगी, ऐसा तो है नहीं इसके पास। मौके पर ही मौत हो गई थी? हाँ, मौके पर ही मौत हो गई, और वो भी मतलब असला भी इसके पास जब्त हुआ। तो पकड़ा गया आरोपी? पकड़ा गया। ये कल रात में थाना पिलुआ पुलिस को सूचना मिली कि मनीषा नाम की युवती की उसके पति राहुल द्वारा जो है बड़े क्लेश के कारण गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौके पर पुलिस द्वारा गहराई से घटना की छानबीन की जा रही है, इसमें अभियोग पत्र आरोपी की तलाश की जा रही है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।